सो हेलो फ्रेंड्स, एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम कुमार और इस वीडियो हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स क्लास 8 का मैथमेटिक्स का टॉपिक है। सो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी कट के हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स की। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग टू डिजिट नंबर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग थ्री डिजिट नंबर्स डिस्कस करेंगे, एंड देन फ्रेंड्स हम लोग फोर डिजिट नंबर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टू डिजिट नंबर होता है 10a+b, जहाँ पर कि फ्रेंड्स ए और बी जो है हमारा इंटीजर है। वहीं भी फ्रेंड्स हमारा थ्री डिजिट नंबर होता है 100a+10b+c, जहाँ पर कि फ्रेंड्स ए बी सी जो है वह हमारा इंटीजर है। यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 3 है फोर डिजिट नंबर को हम लोग लिखते हैं 1000a+100b+10c+d, जहाँ पर कि फ्रेंड्स हमारा ए बी सी और डी जो है यह इंटीजर्स हैं जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स की। जहाँ पर कि फ्रेंड्स हमने टू डिजिट नंबर डिस्कस किया, जो कि यह 10a+b, वही भी फ्रेंड्स हमारा थ्री डिजिट नंबर है 100a+10b+c, एंड देन हमारा फोर डिजिट नंबर है 1000a+100b+10c+d। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं गेम ऑफ नंबर्स की। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिवर्स और इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर, जहाँ पर कि फ्रेंड्स हमारा टू डिजिट नंबर है 10a+b। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग यहाँ पर डिजिट को रिवर्स या इंटरचेंज करेंगे, यहाँ से हमारा डिजिट निकल के आ जाएगा 10b+a। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टू डिजिट नंबर्स का रिवर्स और इंटरचेंज है वह है 10b+a। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं फॉर थ्री डिजिट नंबर्स की, जहाँ पर कि फ्रेंड्स हमारा थ्री डिजिट नंबर है 100a+10b+c। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे, यहाँ से हमारा डिजिट निकल के आ जाएगा 100c+10b+a। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा डिजिट निकल के आएगा 100b+10c+a। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग थ्री डिजिट नंबर्स में यदि हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ से हमारा दो डिजिट निकल के आएगा, जहाँ पर कि फ्रेंड्स हमारा पहला डिजिट है 100c+10b+a, उसके बाद है 100b+10c+a। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम लोग यदि टू डिजिट नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं, यहाँ से हमारा डिजिट निकल के आता है 10b+a। ले फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है 23। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 23 को लिख सकते हैं 2×10+3। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, उसके बाद यहाँ से हमारा डिजिट निकल के आ जाएगा 32। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 32 हो जाएगा 3×10+2। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर हमारा ए था वह बी हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स जहाँ पर हमारा बी था वह ए हो गया। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है डिविजिबिलिटी बाय 10। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग वैसे नंबर्स को 10 से डिवाइड करेंगे जिसका कि डिजिट 0 से एंड हो। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग एग्जांपल के लेते हैं 2340, एंड देन फ्रेंड्स 230, उसके बाद हम लोग ले सकते हैं 20। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे जितना भी डिजिट्स हैं वह 0 से एंड हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यह सारे डिजिट जो हैं वह 10 से डिविजिबल होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 2 है डिविजिबिलिटी बाय 5। यहाँ पे वैसे डिजिट 5 से डिविजिबल होंगे जो कि 5 से एंड हो या 0 से एंड हो। जैसा कि फ्रेंड्स लोग एग्जांपल के लेते हैं 25 और 20। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 जो है वह 5 से एंड हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 25 जो है वह 5 से डिविजिबल होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 जो है वह 0 से एंड हो रहा है, इसलिए हमारा 20 जो है वह 5 से डिविजिबल होगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 3 है डिविजिबिलिटी बाय 2। ये नंबर्स जो कि इवन नंबर्स से एंड हो रहा है, जैसे कि फ्रेंड्स 0, 2, 4, 6 और 8। फ्रेंड्स, जो भी नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड होता हो वह 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि फ्रेंड्स लोग एग्जांपल के लेते हैं 60, 62, 64, 66 एंड 68। जैसा कि फ्रेंड्स लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी डिजिट्स हैं वह इवन है, उसके बाद फ्रेंड्स या 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यह सारे डिजिट जो हैं वह 2 से डिविजिबल होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 है वह है डिविजिबिलिटी बाय 3। यहाँ पे फ्रेंड्स वैसे नंबर इनका कि सम 3 से डिविजिबल है, वह नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे। जैसे कि गाइस, हम लोग एग्जांपल के लेते हैं 33। यहाँ पे हमें 33 में 3 और 3 है, तो हम इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे, यहाँ से हमारा डिजिट निकल जाएगा 3+3=6। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा 6 है वह 3 से डिविजिबल है, इसलिए फ्रेंड्स हमारा 33 जो है वह 3 से डिविजिबल होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, जो कि है डिविजिबिलिटी बाय 9। सो फ्रेंड्स, वैसे नंबर जिनका कि सम 9 से डिविजिबल है वह 9 से डिविजिबल होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स लोग एग्जांपल के लेते हैं 999 में सिर्फ 9 है, डिजिट को जब हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स हमारा डिजिट निकल के आ जाएगा 27। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 27 जो है हमारा 9 के टेबल में आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा 27 जो है वह 9 से डिविजिबल होगा, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 999 जो है वह 9 से डिविजिबल होगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 8 का टॉपिक प्लेइंग विद नंबर्स को कम्प्लीटली डिस्कस किया।
सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में बने रहें। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें बेनिफिट्स मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले ट्यूटोरियल में।